हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे हों। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिंपल पैंडुलम ऑफ लेंथ एल एंड मास ऑफ बोब एम यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन देखो क्या है हमने सिंपल पेंडुलम के दो आर्टिकल इससे पहले कर चुके हैं हम देखो अगर वो बोलता है स्पेसिफिक आपको इसी से निकालना है इसका यूज करते हुए निकालना है तब तो आपको वही मेथड करना है वरना आपकी मर्जी है आप कोई भी मेथड यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो पहली बात क्या है पहला हमने निकाला था लैंग्रेजियन सेकेंड काइंड ऑफ इक्वेशन उसके बाद हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी से लैंग्रेजियन पोटेंशियल से और थर्ड आपका आ गया यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन हैमिल्टन इक्वेशन हमने कल की थी आपके पास क्या था डी क्यू आई बाई डी टी इक्वल टू कर ली एच बाई करली पी आई एंड डी पी आई बाई डी टीवल टू माइनस ऑफ कर ली एच वाई कर ली क्यू आई देखो क्या कह रहे हैं सबसे पहले हेमल्टिन इक्वेशन निकालने से पहले अपना जो बेसिक काम होता है कि हम सिंपल पेंडुलम का केस ले रहे हैं ये आपका कोई ये आपके पास कोई एक्स एक्सिस पे ओ पॉइंट पे बंधा हुआ है लेकिन अब बात इतनी है सिर्फ यहां से हमने माना तो यह हमने मान लिया एक्स ये आपके पास y तो x की वैल्यू l को l साइन थीटा y की वैल्यू l कोस ऑफ थीटा राइट एंगल ट्रेंगल आप निकाल सकते हो ये ये आपके पास l दे रखा है तो अब इस केस में हेमल्टीन वाले केस में रेफरेंस लेवल ये मान रखा है जीरो लेवल ये मानते हुए हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है तो जब जीरो लेवल ये दिया हुआ है तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम देखो <coughs> सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है वन बाई टू एम एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्क्र तो कितना आ जाएगा वन बाई टू एम अब सबसे पहले x आपका कितना है एल साइन थीटा तो x डोट कितना हो जाएगा एल कोस ऑफ थीटा एंड थीटा डोट और y डॉट आ जाएगा कितना माइनस ऑफ एल साइन ऑफ थीटा थीटा डॉट क्योंकि y की वैल्यू किसके इक्वल है एल कोस ऑफ थीटा के इक्वल है, तो एक्स डोट की वैल्यू और वाई डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आ गया एल कोस ऑफ थीटा थीटा डोट का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एल साइन ऑफ थीटा थीटा डोट का होल स्क्वायर तो कितना हो गया वन बाई टू एम एल स्क्वेयर को थीटा थीटा डोट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइंस स्क्र थीटा और कितना थीटा डॉट का स्क्वेयर तो वन बाई टू एम एल थीटा डॉट बाहर आ रहा है दोनों से इंटू क्या बन गया को स्क्र थीटा प्लस साइंसकेयर थीटा वन तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास कितनी वन बाई टू एम एल थीटा डॉट का स्क्यर उसके बाद हमें निकालनी पोटेंशियल एनर्जी और ये निकाली थी हमने ये आपके पास कितनी आई थी एम जी एल कोस ऑफ थीटा विद नेगेटिव साइन किसके अंदर आई थी ये पोटेंशियल के द्वारा जो हमने निकाला था जब लैंग्रेज पोटेंशियल के द्वारा हमने सोल्व किया था तो आया था माइनस इसलिए आया था क्योंकि रेफरेंस लेवल आपका ऊपर वाला था तो उससे नीचे काम कर रहे थे तो नेगेटिव साइन आया था तो तो नेगेटिव साइन अब की बार आएगा नहीं लेकिन अब की बार आपका रेफरेंस लेवल जब नीचे दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा देखो मान लिया ये आपके पास कितना है वाई एक्सिस के साथ और ये आपके पास कितना बना रहा है मान लिया एक्स एक्सिस के साथ तो ये पूरी लाइन एल है एक बार इसमें ही समझाते हैं डायग्राम में देखो ये आपके पास लेंथ एल दी हुई है ये हमने ओ भी मान लिया एल कोस ऑफ थीटा वाई की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू एल साइन ऑफ थीटा तो ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो ये पूरी ए हो जाएगी अब रेफरेंस लेवल अगर ये है तो आपकी हाइट कितनी हो गई ये वाली तो ये वाली हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पूरी कंप्लीट हाइट में से y की वैल्यू घटा दोगे तो पूरी कंप्लीट l है उसमें से l को थीटा घटा दो तो कितना आ जाएगा l इन टू वन माइनस कोस ऑफ थीटा उसके बाद लैंग्रेजियन फंक्शन l इक्वल टू टी माइनस यू एल इक्वल टू टी माइनस यू कैसे निकालेंगे वन बाई टू एम एल स्क्र थीटा डॉट स्क्यर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई और पोटेंशियल एनर्जी की मिल गई माइनस एम जी एल कितना वन माइनस कोस ऑफ थीटा हेमल्टीनियन फंक्शन क्या होता है क्योंकि देखो हेमल्टीनियन फंक्शन का यूज करना है तो हेमल्टीनियन इक्वेशन आएंगी तो हमें तो एच निकालना है तो एच होता है आपका कितना स्मेशन आइजगल टू वन टू एन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल अब क्यू आई डॉट क्यू आई आपके पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट था यहाँ पे थीटा जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है तो क्यू आई डॉट की जगह तो हमेशा क्या लिखा जाएगा थीटा डॉट अब बात आती है पी आई अब समेशन की हमें जरूरत है ही नहीं क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि ए की कोऑर्डिनेट है तो समेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कितना आ गया ठीटा डॉट पीठीटा माइनस एल आई को हमने ठीटा में लिख लिया क्योंकि अब आपका कोऑर्डिनेट ठीटा के अंदर है अब देखो यहां से पी आई होता था आपका करली एल बाई करली क्यू आई डॉट तो पी ठीटा कितना हो जाएगा करली एल बाय करली थीटा डॉट तो करली एल बाय करली थीटा डॉट निकालेंगे तो यहां से एल का ठीटा डॉट के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा वन बाय टू एम एल स्क्र टू थीटा डॉट टू से टू कैंसिल आउट तो क्या बचा एम एल स्क् थीटा डॉट इसमें तो थीटा डॉट है ही नहीं तो इसका करेंगे नहीं तो म एल स्क्वायर कितना आ गया ये थीटा डॉट तो पी थीटा की वैल्यू रख दी तो आ गया थीटा डॉट म एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एल की वैल्यू एजिटीज वन बाय टू म एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एमजीएल वन माइनस कोस ऑफ थीटा तो से क्या बना एम एल स्क्टा डॉट स्क्र माइनस वन बाई टू एम एल स्क्टा डॉट स्क्र प्लस एमजीएल वन माइनस कोर्स ऑफ थीटा इन दोनों से क्या किया सब्टेक्ट कर लिया तो बच गया हाफ एक में से आधा गया हाफ बच गया वन बाई टू एम एल स्क् थीटा डोट स्केयर प्लस एम जी एल वन माइनस कोर्स ऑफ थीटा यहां से जब हम थीटा डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गई पीठीटा बाई एम एल स्क्यर तो थीटा डोट स्केयर कितना हो गया पीठीटा स्क्वेयर बाई एम स्क्यर एल की पावर फोर तो ये वैल्यू रख दी वन बाई टू एम एल स्क्स ऑफ थीटा की पावर 4, प्लस MGL, 1 minus cos theta. तो निकल के आ से आपका आ गया, P theta का अब आपको निकालना है क्या है अब आपको निकालना डी पी आई बाई डी टीवल टू माइनस ऑफ कर ली एच बाई कर ली क्यू आई अब क्यू आई तो है नहीं तो ठीटा निकालेंगे अब क्यू आई पी आई की जगह पीठीटा लिया हुआ है और क्यूआई की जगह हमने ठीटा ले रखा है तो आप क्या निकालोगे कर ली एच बाई कर ली पी ठीटा और एक बार कर ली एच बाई कर ली ठीठा क्योंकि कर ली एच बाई कर ली क्या निकालना है आपको क्यू आई और क्यू आई है नहीं तो आप क्या निकालोगे कर ली एच बाई कर ली ठीठा तो कर ली एच वाई कर ली पी ठीठा निकालते हैं यहाँ से पीठीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो वन बाई टू एम एल स्क्र तो एच डीज पीठीटा स्क्वेयर का हो जाएगा टू पी

क्यू आई बाई डी टी मतलब क्यू आई डॉट और क्यू आई डॉट की जगह ही तो हम यूज कर रहे हैं ठीटा डॉट तो क्या आ गया ये ठी, ठीटा डॉट की वैल्यू आ गई करली एच बाई कर ली कितना पीठीटा हेमल्टीन इन इक्वेशन होती है ना डी क्यू आई बाई डी टी किसके इक्वल करली एच वाई कर ली पी आई के इक्वल लेकिन पी आई की जगह अब ठीटा यूज कर रहे हैं तो करली एच वाई कर ली पी ठीटा और इसी तरह पीठीटा की वैल्यू किसके इक्वल करली एच वाई कर ली क्यू आई के इक्वल विद माइनस साइन तो माइनस करली एच वाई कर ली क्यू आई की जगह क्या यूज कर रहे हैं ठीठा तो यहाँ से ठीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई कर करली एच ली करली पीठीटा हमने निकाला है, उसकी वैल्यू रख दी पी ठीटा बाई एम एल स्क्र और पीठीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ कर करली एच कर ली ठीटा ये निकाली है, ये रख दी कितना आ गया माइनस एम जी एल साइन ऑफ थीटा इक्वेशन नंबर टू का यूज करते हुए तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर फोर फ्रॉम थ्री थ्री का यूज करते हुए देखो यहाँ से पीठीटा की वैल्यू हो गई एम एल स्क् थीटा डॉट तो पीठीटा डोट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास एम एल स्क्यर थीटा डबल डॉट क्योंकि यहां पे पुट करनी है बस वैल्यू तो कितनी आ गई थीटा डॉट की वैल्यू एम एल स्क् थीटा डबल डॉट तो पी थीटा की यहां पे यूज कर दो वैल्यू माइनस एम जी एल साइन थीटा और इधर से आ गया कितना आपके पास पी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस एम जी एल साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एम एल स्क् थीटा डबल डॉट तो कितना आ गया एम एल स्क् थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया थीटा डबल डोट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो ये देखो वही इक्वेशन आई है जो हमने वहाँ पे लैंग्रेजिन इक्वेशन का यूज़ करते हुए निकाली है और सेकेंड काइंड का यूज़ करते हुए तब भी यही आंसर आया था हेमल्टिन का करा तब भी यही आया और पोटेंशियल का किया था तब भी यही आंसर आया था जो कि क्या आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हेमल्टिन इक्वेशन मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है बाकी ये मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि किस तरीके से ये लिखा गया है नेक्स्ट देखो वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग साइक सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट अब तीनों जो वहाँ पे आए थे सिलेंड्रिकल स्फेरिकल जो जो वहाँ पर हमने किए थे पेंडुलम का अब तीनों के तीनों चारों आर्टिकल यहाँ पे भी है यूजिंग सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट और बहुत ईजी है पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड ड्राइव हेमल्टिन इन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास एम एक ही पार्टिकल है मूविंग इन ए फोर्स फील्ड ऑफ पोटेंशियल वी आर थीटा जेड अब की बार इसने क्या किया पोटेंशियल लिख दिया निकालना नहीं है आपको इसने पोटेंशियल लिख दिया क्या रहेगा वी आर थीटा जेड तो क्या करेंगे देखो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट की जब भी बात आती है एक्स वाई जेड किसी पॉइंट के लिए तो एक्स की वैल्यू होती है आर कोस थीटा वाई की वैल्यू आर सेम थीटा और जेड आपका जेड के इक्वल रहता है तो यहां से एक्स आ गया वाई आ गया और जेड आ गया तो डॉट निकाल लेंगे वाई डोट निकाल लेंगे और जेड डोट निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी होती है वन बाई टू एम डॉट स्केयर प्लस वाई डोट स्केयर प्लस कितना जेड डोट स्केयर तो अब ये आ गया सीधा सीधा डॉट स्केयर की वैल्यू आ गई आ आपके पास कितनी आर डोट स्केयर प्लस जेड डॉट तो इट इज रहेगा और वाई डॉट स्क्वेयर की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आर स्क्यर थीटा डॉट स्क्यर तो ये आ गई आपके पास क्या काइनेटिक एनर्जी ये हमने वहाँ पे भी निकाली थी सेम जब हमने लैंग्रेजन सेकेंड काइंड से सोल्व किया था सिलेंड्रिकल से, कोऑर्डिनेट्स का वहाँ पे भी हमने ये सेम निकाला था अब देखो लैंग्वेज इन इक्वेशन एलिजिबल टू टी माइनस वी वी क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इसने बोला कि अब की बार पोटेंशियल वी ऑफ आर थीटा जेड है तो एज इट इज रखेंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी वन बाई टू एम आर डोट स्केयर प्लस आर स्कोट स्केयर प्लस जेड डोट स्केर माइनस वी आर थीटा जेड अब सीधी सीधी बात है हेमल्टीनियन फंक्शन हमने निकालना है हेमल्टीनियन फंक्शन अब कैसे निकल के आएगा वो अब देखना है देखो हमने पहले यहां से पी आर निकाला पी आर होता है करली एल बाय करली आर डोट कैसे हुआ पी आर करली एल बाय कर ली आर डॉट क्योंकि ये अब जर्नलाइज कोर्डिनेट आपके पास कितने हैं आर है थीटा है और क्या है जेड है तीन कोऑर्डिनेट है तो क्यू आई की जगह एक बार आर लिखोगे एक बार क्यू आई की जगह थीटा लिखोगे एक बार क्यू आई की जगह क्या लिखोगे जेड लिखोगे तो क्या आ गया पी आर की, की वैल्यू आ गई करली एल बाय करली क्यू आई डॉट होती थी तो करली एल बाई करली आर डॉट तो आर डॉट की वैल्यू आ गई यहाँ से निकालेंगे तो कितना एम आर डॉट उसके बाद पी थीटा की वैल्यू कर ली एल बाय कर ली क्यू थीटा डॉट क्योंकि इसमें डोट वाली चीज़ें है ही नहीं तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं तो कर ली एल बाय कर ली थीटा डोट कितना आ गया एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट इसी तरह जेड जब निकालेंगे यहाँ से तो वन बाई टू एम जेड डोट स्क्वेयर का निकालेंगे तो टू ऑफ जेड डोट टू से टू कैंसिल आउट तो क्या बच जाएगा एम ऑफ जेड डोट सिंस एल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टी जब एल टी से इंडिपेंडेंट होता है तो आपका जो एच होता है वो किसके इक्वल होता है टी प्लस v के इक्वल और ये कहाँ से आया ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ देखो ये हमने कंजर्वेटिव सिस्टम के बाद एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है बस सिंपल सा कि फोरस्ट कैरोनॉमिक नेचुरल सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ टी की बात कर रहे हैं जब एमल्टेनियन फंक्शन आपका टी के रूप में एक्सप्रेक्स ना हो पाए तो आपका जो एच निकल के आता है इस आर्टिकल से एच की वैल्यू क्या होती है आपकी टी प्लस यू वहाँ पे U की जगह V लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे T प्लस वी तो ये कह रहे हैं कि स्केरोलोमिक नेचुरल ने, ने सिस्टम मतलब जो टाइम इंडिपेंडेंट हो उसके लिए H की वैल्यू आती है T प्लस वी के इक्वल तो ये चीज़ आप नोट कर लेना याद कर लेना बस खाली क्योंकि आपको सिर्फ याद रखनी है देखो इस वाले में भी हम एच की वैल्यू स्मेशन वाली यूज कर सकते थे लेकिन अब तीन वेरिएबल हैं आपके पास कौन कौन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और जेड तो तीन समेशन हो जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा इसीलिए हमने देखा कि एल के अंदर टी नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ टी है तो डायरेक्ट हम एच लिखते हैं कितना टी प्लस वी तो कितना आ गया वन बाई टू एम टी की वैल्यू रखी प्लस वी आर ठीटा जेड एच टीज रख दिया तो वन बाई टू एम आर डॉट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली पी आर बाई एम तो पी आर बाई एम का स्क्यर थीटा डोट की वैल्यू निकाल ली पी थीटा बाई एम आर स्क्वेयर और जेड डॉट की वैल्यू निकाली पी जेड बाई एम का स्क्वेयर प्लस वी आर ठीटा जेड तो कितना आ गया ये वन बाई टू एम पी आर प्लस पी थीटा, थीटा, थीटा तो यहां से तो कितना आ जाएगा आपके पास एच आ गया अब करली एच कर करली आर निकालना है तो करली एच कर करली आर कितना हो जाएगा देखो आर आपके पास कहाँ दे रखा है सिर्फ इस वाले केस में दिया हुआ है तो माइनस ऑफ वन बाई आर आ जाएगा स्क्र बाई टू एम एज इज रहेगा ये और माइनस ऑफ वन बाई आर और इन आर क्यूब इन टू आर स्क्र का हो जाएगा टू ऑफ कितना आपके पास ऊपर चला जाएगा ना टू तो कितना आ जाएगा टू बाई आर क्यूब तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ थीटा का स्क्वेयर बाई एम आर क्यूब प्लस यहां पे भी आ रहा है तो इसका आर के रेस्पेक्ट में कर देंगे कर ली वी बाई कर ली आर तो आपके पास क्या निकल गया करली एच वाई करली आर निकल गया करली एच वाई कर ली ठीठा जो वहाँ पे निकाला था वहाँ पे हमने दो निकाले थे बस करली एच वाई कर ली पी ठीटा और करली एच वाई कर ली ठीठा लेकिन अब तीन तीन है तो छः निकल जाएंगे करली एच वाई कर ली आर और करली एच वाई कर ली पी आर करली एच बाई करली पी आर निकालेंगे तो पी आर तो सिर्फ इसी में है तो कितना आ जाएगा आपके पास टू से टू कैंसिल आउट पी आर बाई एम करली एच बाई करली ठीटा निकालेंगे तो ठीटा कहाँ पे है ठीटा देखो करली एच बाई करली ठीटा तो ठीठा आपका यहाँ कहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे तो कहीं ठीठा है ही नहीं तो सिर्फ यहाँ पे थीटा है तो आ जाएगा करली वी बाय करली थीटा और यहाँ पे पी थीटा निकालेंगे तो पी थीटा ही है तो ये आ जाएगा टू टू से टू कैंसिल आउट कितना बच जाएगा पी थीटा बाई एम आर स्क्वायर तो ये आ गया पी टा बाई एम आर ली एच बाय ली जेड निकाल लेंगे और ली एच बाय ली पी जेड निकाल लेंगे ये सारी केसे आने के बाद अब तो सोली हो गया क्यों क्योंकि करली करली एच बाय करली पी आर और करली एच बाय करली आर मतलब आर डोट आपके पास सॉरी करली एच बाय करली आर और करली एच बाई करली पी आर तो यहाँ से क्या हुआ जब आप आर डोट की वैल्यू लिखोगे पी आर डोट की वैल्यू लिखोगे तो वो किसके इक्वल होगी करली एच बाय माइनस ऑफ करली एच बाय करली आर के इक्वल तो इक्वेशंस आ जाएंगे अब आपके पास क्या पी आर डॉट की वैल्यू माइनस ऑफ कर ली एच बाई कर ली आर पी थीटा डॉट की वैल्यू माइनस ऑफ कर ली एच बाई कर ली थीटा होती है और पी जेड की वैल्यू जेड डॉट की वैल्यू माइनस ऑफ कर ली एच बाई कर ली जेड कन्फ्यूज नहीं होना है आपको बस इक्वेशन याद रखनी है कि डी ऑफ क्यू आई बाई डी टी किसके इक्वल होता है करली एच बाई करली ली पी आई के इक्वल होता है अब पी आई की जगह क्या है आपके पास यहां पे क्यू आई की जगह तो आ गया क्या आपके पास डी क्यूआई की जगह जर्नलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं आर यूज कर रहे हैं थीटा यूज कर रहे हैं और क्या यूज कर रहे हैं हम आर यूज कर रहे हैं थीटा यूज कर रहे हैं और जेड यूज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास देखो आर डॉट की वैल्यू आर डॉट की वैल्यू कितनी हो गई कर ली एच वाई कर ली पी आर इसी तरह थीटा डॉट की वैल्यू कर ली एच बाय कर ली पी थीटा और जेड डॉट की वैल्यू कर ली एच बाय कर ली पी जेड तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली यहाँ से निकालेंगे तो पी आर डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी पी थीटा स्क्यर पीछे निकाली हुई पी थीटा स्क्यर बाय एम आर स्क्यर माइनस कर ली हुई बाई कर ली आर पी थीटा डॉट की वैल्यू पी जेड डॉट की वैल्यू तो आर डॉट थीटा डॉट और जेड डॉट यहाँ से हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया तो सिंपल सा है बिल्कुल बस आपको हेमल्टीनियन फंक्शन बनाने के बाद तो सिर्फ ये इक्वेशन में पुट करनी है जितने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट उतनी इक्वेशन बना के आप क्या कर दोगे उनको पुट कर दोगे नेक्स्ट आपका यूजिंग स्पेरिगल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई राइट द हेमेल्टीन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन द फोर्स फील्ड ऑफ पोटेंशियल इसमें भी पोटेंशियल दिया हुआ है आर थीटा और फाइ अब तीन जर्नलाइज कोऑर्डिनेट आपके आर थीटा और फाई तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की जब बात होती है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिख पाते हैं एक्स इक्वल टू तो आर साइन थीटा कोस ऑफ फाई वाई इक्वल टू तो आर साइन थीटा साइन फाई और जेड आ जाएगा आर कोस ऑफ थीटा काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे ये मैंने बताया हुआ है इसका पूरा प्रूफ निकाल के बता रखा है आपको लैंग्रेजिय सेकेंड काइंड ऑफ इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी आपको याद रख ले लेंगे क्योंकि एक पेज का है पूरा ये सोल्व करेंगे तो कंप्लीट पूरे पेज का है सोल्व करेंगे तो, तो टी आ जाएगी आपके पास ये लैंग्रेजियन आपके पास एल इक्वल टू टी माइनस वी वी आपके पास गी वन है तो इसको निकालने की जरूरत है नहीं टी की वैल्यू रखी माइनस वी आर ठीटा फाइव उसके बाद पी आर पी ठीटा पी फाइव तो यहाँ से पी आर की वैल्यू आ गई करली एल बाई कर ली आर डोट एम आर डॉट तो आर डॉट की वैल्यू आ गई पी आर बाई एम ठीटा डॉट की वैल्यू आ गई और phi डॉट की वैल्यू आ गई अब आपको एच निकालना है एच होता है टी प्लस वी क्योंकि आपका फिर से इंडिपेंडेंट ऑफ टी है तो एच आ जाएगा कितना आपका टी प्लस वी तो ये आ गया वन बाई टू एम प्लस वी ऑफ दिस तो यहाँ से आर डॉट आर थीटा डॉट और फाइव डॉट तीनों की वैल्यू हमने क्या कर दी पुट कर दी तो ये इक्वेशन आ गई है हेमल्टिनियन इक्वेशन आने के बाद तो सीधा सिंपल काम है कि पी आर डॉट पी थीटा डॉट और पी फाइव डॉट की वैल्यू लिखो और आर थीटा थीटा डॉट और फाइव डॉट की वैल्यू निकाल लो छः की छः छे वैल्यू आ जाएंगी आपका आंसर आ गया नेक्स्ट देखो यूजिंग हेमल्टेनियन इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन स्पेस ये कह रहा है लेट एक्स वाई जेड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन स्पेस एट टाइम टी देन द काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास स्पेस में दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर और ये जेड कोऑर्डिनेट्स के अलोंग लिया हुआ है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा हाइट जेड जीरो लेवल आपने माना हुआ है ये वाला वेयर एम इज द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल देन द पोटेंशियल एनर्जी इज वी इक्वल टू कितना आ जाएगा एम जी हाइट कितनी है जेड तो कितनी आ जाएगी एम जी जेड जीरो लेवल से ऊपर है तो विद पॉजिटिव साइन एल आपका होता है कितना टी माइनस वी तो काइनेटिक एनर्जी माइनस कितना आ जाएगा एम जी जेड तो क्या निकल के आया यहां से अब देखो फिर से वही एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी तो एच कितना पुट कर दोगे तो यहां से क्या किया हमने पी एक्स निकाला पी वाई निकाला पीजेड निकाला तो एक्स डॉट की वैल्यू आ गई पी एक्स बाई एम वाई डॉट पी वाई बाई एम और जेड डॉट पी वाई पीजेड बाई एम तो सब्टीट्यूट दैल्यू एक्स डॉट वाई जो जेड डॉट इन के अंदर पुट कर दी अपने पास हेमल्टी

Thank you.